अभी आपकी हालत कैसी, क्या आपको चोटें भी आई हैं और किसने आप पर यह हमला करवाया, ये आप बता सकते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ मेरे लोग थे, उनको चोटें आई हैं। बहुत से लोग जो स्थानीय थे और बहुत गंभीर चोटें आई हैं, कुछ के साथ गोली वोली भी दो एक भाई के लगी है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने मुझे अपने सुरक्षा क्षेत्र में लेके वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया था, लेकिन ये हमला मेरे ऊपर नहीं था, पूरी रैली के ऊपर था जी। और 40-50 गुंडे बदमाश किस्म के लोग सुबह सिंह समान के साथ जी है जी, हाँ हाँ बताइए। वे लोग आके पूरी रैली पे उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया, लेकिन मेरे लोगों की सूझबूझ से हम लोगों को उन्होंने टाइम से निकाल लिया जी। नहीं, ये लोग थे कौन या बता सकते हैं क्या किस तरीके से उन्होंने ऐसा करा? सुबह सिंह समान उसी गांव का रहने वाला है जो अपने आप को खापो का प्रवक्ता कहता है, ठीक है। वो उसी के घर पे ये लोग इकट्ठा हुए, वहीं पे उनको शराब पिलाई गई होगी और वे सब लोग शराब पिए, नशे में धुत होके वहां पे आए और उन लोगों ने फिर ये धारदार हथियारों से पूरी रैली के ऊपर हमला बोला जी। अच्छा, लेकिन क्योंकि राजकुमार जी काफी गंभीर, माफ कीजिएगा यशपाल मलिक जी, ये काफी गंभीर इसलिए भी है क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे, उनके बीच में ये सब कुछ हो जाना आपको लगता है सुनियोजित तरीके से हुआ बकायदा ये सब कुछ? हेलो जी यशपाल मलिक जी, क्योंकि सुरक्षा वहां पर काफी कड़ी थी फिर भी आपके करीब पहुंच जाना हमलावरों का, आपको लगता है कि बकायदा इसमें कोई चाल थी, सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही यशपाल मलिक जी, अब आप सुन पा रहे मुझे साफ तरीके से? आपकी आवाज कटती है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप जी? यशपाल मलिक जी, थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम अगर आप कम कर लेंगे तो आप तक आवाज पहुंच पाएगी। नहीं, टीवी तो हमारे यहाँ है नहीं, तो लोग बैठे हुए, इनकी आवाज आपको आ जी। यशपाल मलिक जी, अब आप सुन पा रहे हमें? हाँ बताइए यशपाल मलिक जी, ये बताइए तस्वीरों में हम ये भी देख पा रहे हैं सुरक्षा काफी कड़ी थी तो इसके बावजूद आप पर हमला हो जाना, आपको लगता है कोई बड़ी लापरवाही, कोई सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया गया, क्या लगता है आपको कैसे ये सब कुछ हो गया? सच्चो थे, उनकी मिली भगत से किसी भाजपा के बड़े नेता के इन्वॉल्वमेंट की भी इसमें संभावना है जी? नहीं तो किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ आपको लग रहा है कौन हो सकता है? वो उन्हीं की मिली भगत से, जो वहाँ डीएसपी जो एसएचओ था उन्हीं की मिली भगत से ही हमला हुआ है। नहीं, क्योंकि आप किसी भाजपा के बड़े नेता की बात कर रहे हैं, आपको किसी पर शक है क्या? देखिए, हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से पता लग जाएगा, 7-8 दिन में हम पता लग जाएगा। और 27 तारीख को हमारी बड़ी रैली है पूरे हरियाणा स्तर की, उसमें हम इसकी घोषणा करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा हमला हो जाना और इसके बाद हमलावरों का वहां पर से भाग जाना, इसको कैसे आप लेते हैं? निश्चित रूप से पुलिस की मिली भगत से हुआ है सारा काम जी। जी, क्या ये बताइए कि क्या, क्योंकि ये आप लगातार अलग अलग जगह जनसभाएं कर रहे हैं और आप अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस वजह से आप पर यह हमला हुआ है, जिसने भी जिस पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, जो मिली भगत की तमाम बातें आप कर रहे हैं? सामाजिक ताकत है, मेरी अपनी ताकत नहीं है, समाज के मुद्दे हैं, समाज उसमें खड़ा है। लेकिन ये साजिश जिस नेता के इशारे पे की गई, उस नेता का भी हम 10-5 दिन में पर्दाफाश कर देंगे, जिनका नाम हम बता रहे हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार करे, इनको इनसे पता करे, इनकी कॉल डिटेल निकाले। कोई शिकायत अभी तक आपकी तरफ से दर्ज करवाई गई है? हाँ, FIR दे रहे हैं, अभी दर्ज करवा रहे हैं जी। जी, जवाहर यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता है। जवाहर यादव जी, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बकायदा मिली भगत थी यहाँ पर। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब वास्तव में उनके पास भी नहीं है जी। ये केवल ये कह देना आपको, हाँ। ये तो कहना चाहिए कि भाई किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया, उसका उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये कहना कि बीजेपी के नेता का हाथ है तो नाम बताओ किसका हाथ है, उसके तथ्य दीजिए। नहीं, यशपाल मलिक जी खुद बोल रहे हैं कि 3-4 दिनों के अंदर इसका खुलासा मैं खुद करूंगा। हाँ, तो इस बात का दावा करनी चाहिए, इससे पहले बात नहीं करनी चाहिए, जब खुलासा हो जाए तभी वक्तव्य देना चाहिए। हाँ। अधूरे वक्तव्य क्यों, तनावपूर्ण वक्तव्य क्यों, माहौल खराब करने वाले वक्तव्य क्यों? अगर इनको लगता है किसने किया तो सीधा सीधा, जब तक इनके पास कोई नाम नहीं है उस दिन 6-7 दिन बाद ही खुलासा कर देना। उससे लेकिन जवाहर जी, अगर बीजेपी नेता या बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं फिर यशपाल मलिक नाम? क्या मंशा आपको नजर आ रही, क्यों ऐसा कर रहे हैं फिर? ऐसे जी, ये तो वो बता सकते हैं उनकी क्या मंशा, मैं बता सकता हूँ।
दूसरा वो कह रहे हैं कि इन्होंने किसी का नाम लिया कि हमला करने वाले अपने आप को खाप उसके प्रवक्ता बताते हैं, इनके साथ कभी उनके संबंध रहे होंगे, आज नहीं है। तो जो भी है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का इस वाले विषय से कोई लेना देना नहीं, इनकी कोई रैली में वो नहीं है, इन्होंने अपने समाज की रैली बुला रखी थी, वहां अगर कोई अव्यवस्था फैली है तो इसका उत्तरदायित्व तो इनको देखना चाहिए कि समाज में ऐसे लोगों का वो हुआ, और कानून को काम करना चाहिए। जिस तरह से ये कहना चाहिए कि भाई जिन्होंने रोहतक दंगे के समय जो भूमिका निभाई उसमें भी कार्रवाई हो, और आज जो रैली पे जो हमला हुआ उस पर भी कार्रवाई हो। कानून सम्मत चीजें हमें सबको करनी चाहिए। यशपाल मलिक जी, आपने सुना जवाहर यादव को, उन्होंने जो जो आपने आरोप लगाए सिरे से नकारा है इन आरोपों को उन्होंने। जी 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 हाँ, यशपाल मलिक जी, मिली भगत की बात आप या बीजेपी नेता की आप बात कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि आप नाम बता दीजिए ना, ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, आप नाम बता दीजिए जिस पर आपको शक है। नहीं, नाम भी हमें जो सोर्सों ने बताया है, क्या पुलिस चुपचाप देखती रहती अगर किसी नेता का इशारा ना होता? वहाँ 200 से ज्यादा पुलिस वाले थे और 50-100 लोग आके 200 पुलिस वालों हथियारबंद के सामने पूरी रैली पे हमला बोल दे, मैं जवाब देना चाहूँ आधे घंटे तक, और कोई पुलिस वाला कुछ बोले ना, किसी पुलिस वाले के चोट ना लगे, और किसी किसी जो हमला करने आए उनमें से कोई चोटिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी हाँ, जवाहर जी, जवाब देखिए, मलिक साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ। कि और इनकी पीड़ा भी मुझे समझ में आती है कि जब किसी के ऊपर ऐसा हमला होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के ऊपर हमला होता है, वो समाज के ऊपर भी हमला होता है। हाँ। और जो यशपाल मलिक जी की पीड़ा है वो समझ में आती है कि दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। परंतु ये कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर हुए हमले के घर में उसमें भी होनी चाहिए। नहीं, जवाहर यादव जी, सीधा सवाल दरअसल ये है कि 50 की 60 की कोई एक वहां पर ऐसा नहीं था कि भीड़ का फायदा उठाकर कोई एक हमलावर था जो वहां से निकल के भाग गया। 50 से 60 की संख्या में हमलावर थे, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी थे। क्यों नहीं कोई पकड़ में आ पाया? क्यों नहीं हमले को रोका जा सका इतनी सुरक्षा के बावजूद? तभी मिली भगत का आरोप लगा रहे यशपाल मलिक। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मलिक साहब की पीड़ा मैं समझता हूँ, इसकी पीड़ा में मैं शामिल हूँ। हाँ। अच्छा रहता मलिक साहब भी जिन जिनके रोहतक में घर चले थे, जिन्होंने तनाव झेला था, उनकी पीड़ा में भी शामिल होते, कैप्टन अभिमन्यु की पीड़ा में भी शामिल होते। मैं ये नहीं कह रहा, जो भी कानून अपने हाथ में लेता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जवाहर यादव जी, जो हुआ उस पर जांच आपकी सरकार लगातार कर रही है, जांच हो रही है, लेकिन आप ये बताइए, इस सवाल का आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं जवाहर जी, कि वहां पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी क्यों नहीं हमले को रोका गया? क्यों नहीं कोई पकड़ में आ पाया? तभी मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं यशपाल मलिक, इसका सटीक आप जवाब दीजिए ना। जी जी लेकिन अभी आवाज जवाहर यादव जी की हम तक साफ नहीं आ पा रही। यशपाल मलिक जी का रुख करूंगा, अभी जवाहर जी का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन अभी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। चलिए आपका रुख करूंगा यशपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पर। ये जो हमला हुआ है यशपाल मलिक पर, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में किसी मामले में मार पिटाई करना अच्छी बात नहीं है। हाँ। और मैं पूरी तरह से इस हमले की भर्त्सना करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। लेकिन साथ के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। हाँ। यशपाल मलिक ने जिस प्रकार से जाट समुदाय को इस सरकार के हाथों बेचा है, हाँ। जिस प्रकार से उन्होंने सौदेबाजी की है, जी। उसके आम समुदाय का आदमी इनसे नाराज है और आक्रोशित है। हाँ। जिस प्रकार से इन्होंने वायदा किया था कि जो बच्चे जेल में हैं उनको छुड़वाया जाएगा, जी। लेकिन आज कितने दिन बीत चुके हैं, उसके मामले में कोई बात नहीं हुई। नहीं, आप क्या यशपाल मलिक की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं क्या? थोड़ा आप खुलकर अगर बोल सके तो। निश्चित तौर पर इनकी भूमिका संदिग्ध है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से ये मिले हुए हैं।
कैसी संदिग्ध है, क्या संदिग्ध है, कैसी संदिग्ध है? नाराज है हाँ, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि सारे जो जेल में बच्चे हैं उनको छुड़ाया जाएगा, हाँ, आज तक उनका कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हाँ, तो लोगों में आक्रोश है, हाँ, लोगों में गुस्सा है, लेकिन हमला करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। कोई आदमी अगर इन पे अटैक करता है वो गलत है जी। यशपाल मलिक जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कई आरोप आप पर लगे। कौन है ये, कौन है? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से। नहीं नहीं, जो ये कृष्णमूर्ति हुड्डा जी है, हाँ, ये तो इनकी सरकार ने 2010 में 14 सितंबर को मेरे ऊपर हमला करवा के गाड़ियां जलवाई थी। सरकारों का तो काम ही होता है। झूठ बोलते हो। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अरे झूठ बोलते हो। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से ये पूछे कि जो 2010 को 14 सितंबर को बरवाला में यशपाल मलिक पे हमला करा गया था, वही काम भाजपा के लोग कर रहे हैं जी। आज जो काम इन्होंने किया था, वही काम भाजपा करा रही है। एक बार का जवाब देना चाहता हूँ, हाँ, कि इन्होंने कहा था कि बच्चों को जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे हम आंदोलन करेंगे जी। क्या हुआ उन बच्चों का, जो जो बच्चे जेल में है उनको भाजपा नहीं छुड़वाया इन्होंने सरकार? इनको कृष्ण मूर्ति जी को ये बता दो कि ये जो मीटिंग थी ये उसी की तैयारियां हैं कि सरकार अगर समझौता लागू नहीं करेगी तो बना रहे हो तो यशपाल मलिक जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा का ये कहना है, यशपाल मलिक जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का यह कहना है कि क्योंकि लगातार जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई है, सरकार से समझौते का आप पर आरोप लगा रहे हैं और ये समाज के लोगों का ही गुस्सा है जो अब आपके खिलाफ फूट रहा है, ये आप पर आरोप लग रहा है। ऐसा कहीं ये इनके कार्यकर्ता तो नहीं थे जिन्होंने ये हमला कराया हो? इनसे ये भी पूछ लीजिए। अरे छोड़ो, हम किस हमला करा पा रहे नहीं है आपकी करतूते, आपको तो हमला 2010 में करतूते किए, 2010 में 14 सितंबर को हमला आपने करा था। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। यशपाल मलिक जी, अभी आप बीजेपी नेता का जिक्र कर रहे थे और अब आप सवाल उठा रहे कांग्रेस पर। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह का ये आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, मेरे ऊपर पहले भी हमले हुए हैं, मेरे ऊपर पहले भी हमले हुए हैं, राजनीतिक लोगों की सहायता हुए है। जैसे आज पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी वहाँ, मैंने बताया कि बीजेपी के किसी बड़े नेता के इशारे पे पुलिस ने हाथ बांधे हैं जी। मेरा सरकार पे निशाना नहीं है, मेरा बीजेपी के नेता पे निशाना है जिसके इशारे पे सरकार हाथ खड़े बैठी थी जी जी। और हमारी अपनी सोच पे हम लोग भी पता कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करेंगे। ये ना सोचे कि हम डर के रैली और मीटिंग करनी बंद कर देंगे, ये पर ये इसकी सोच ना रखें। और इनको हुड्डा जी को बोलो कि हमले के खिलाफ ये इसका जी कृष्ण जी बिल्कुल। ये यशपाल मलिक जी कुछ पूछना चाहते हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी? जी हुड्डा जी पूछिए। आप मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने पैसे का हिसाब लेने के लिए ठहरा रहे हैं हमले को? जी यशपाल मलिक जी, जवाब आप सुन लीजिए, एक जवाब एक सवाल है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का, थोड़ा सुन लीजिए। जी जी, देखिए 9 स्टेटों में जाट है, हरियाणा के अलावा ये कहीं घुस नहीं सकते। नंबर दो, ये पैसे का हिसाब क्यों नहीं देते? नंबर दो, तीन ये जो लोग जेलों में हमारे बच्चे उनको छुड़वाने में इन्होंने क्या किया अभी तक? इन्होंने वीरेंद्र सिंह के घर जाके मिठाई तो दी है, वीरेंद्र सिंह को खुश करने के लिए कहा कि वीरेंद्र सिंह ने हमारा फैसला करा दिया। ये ऐसे जर्नल है कि फौज को प्यार कर दिया लड़ने के लिए और आप समझौता करके आगे बैठ गए, सरकार से समझौता कर दिया, सरकार से इनकी मिली बढ़ता है। आज ये मैं सराम आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और यशपाल मलिक ये दोनों मिले हुए हैं और इनके चार समुदाय को उन्होंने देश खोला है जी। यशपाल मलिक जी, मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। हरियाणा का एक भी पैसा मैंने नहीं लिया, उनकी संघर्ष समितियों के पास है जिला स्तर की, ये जाके कंफर्म कर ले। एक भी पैसा ना देश में किसी से लिया हो आज तक यशपाल मलिक ने, उस आदमी को सामने ले आए। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ अगर, लेकिन यशपाल मलिक जी आप इससे पहले आगे बढ़े क्योंकि लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं। सुबह सिंह समेण की बात करें, अभी जो आरोप अभी हुड्डा साहब लगा रहे हैं, ये आरोप क्यों आप पर लगातार लग रहा है? और ये वहां पे सामने जाके किसी भी आदमी से बुलवा दे, किसी नेता ने गाड़ी लेके आया था वीरेंद्र सिंह की कोठी के बाहर, वो मिठाई बांट रहा था ठीक, और वो गुड़गावा का रहने वाला था जिसको ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। मैं उनके यहाँ लोगों को लेके तो गया हूँ कि भाई जो समझौता कराया था उस पर क्या था? लेकिन जिस तरह का आरोप कृष्णमूर्ति हुड्डा जी लगा रहे हैं, ये प्योरली इसमें राजनीति कर रहे हैं। और इसमें ये भी ये बता दें कि इस कौम को दलदल में झोंकने का काम इन्हीं की सरकार ने किया था, एसबीसी रिजर्वेशन देके। जी जी,
अच्छा लेकिन यशपाल मलिक जी एक सवाल मेरा है, जो बात अभी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो आप पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जो हेर फेर का आरोप जो पैसों को लेकर लगा रहे हैं, यही जिक्र सुबे सिंह समेत ने किया था, तो लगातार ऐसा आरोप आप पर क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप ये बताइए। मैं आपके टीवी के माध्यम से ही बोल रहा हूँ और हाँ, सब लोग सुन रहे हैं हाँ, एक आदमी पूरे हरियाणा से लादे निकाल के जो एक है भाई यशपाल मलिक को हमने पैसे दिए थे, ये पैसे लेके गया है हाँ, सब पैसे जिला स्तर की संघर्ष समितियों के पास थे और जिला स्तर की संघर्ष समितियों ने जहां भी उनको जमा किया होगा वो वहां उनके पास होंगे। और दूसरी बात इनको कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को ये बता दें कि जिस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं इस पर राजनीति करने का काम न करे, ये जाट समाज है, राजनीति के बहकावे में लोगों को बहकाने का काम न करें कि इसको, मैं इनकी सरकार के खिलाफ भी लड़ रहा था और इस सरकार के खिलाफ भी लड़ रहा हूं और 2017 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी सब जगह हमने प्रचार किया था भाई हरियाणा के साथ ये हुआ और पूरे देश का जाट साथ खड़ा हरियाणा के जाट के। जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हाँ, मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूँ हाँ, जो बच्चे जेलों में है इन्होंने वायदा किया था कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, इन्होंने आंदोलन क्यों खत्म किया आज तक मुझे बताओ, 17 दिन का समझौता, एक बात भी पूरी नहीं हुई, तो एक बात भी पूरी नहीं हुई और ये करके तुम दबा के भाग आए, इन्होंने बुजदिली दिखाई है, समाज को कमजोर किया इन्होंने, समाज टकराव चाहता था सरकार से और बच्चों को छुड़वाना चाहता था, इन्होंने बच्चों को नहीं छुड़वाया, सबसे बड़ा धोखा इन्होंने बच्चों के साथ किया है जो जेलों में है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो नौ स्टेटों में चार समाज के लोग रहते हैं, एक हरियाणा के अलावा बाकी कहाँ जाते हैं आप लेते हैं और यूपी के हरियाणा में जाते हैं, आपके अपने गांव में उत्तर प्रदेश में आपका कुछ नहीं है, वहाँ आपकी दो वोटें नहीं है और लीडरी आप हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, मुझे समझा दीजिएगा कि आप किस आधार पर हरियाणा पे अपनी लीडरी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप लगातार। आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसकी तो मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ कि हमला करना कोई वो नहीं है, लेकिन आपने बड़ा भारी जाट समाज के साथ धोखा किया है, जाट समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो लोग आज जेल में बंद है वो कैप्टन साहब की कोठी के मामले में जेल में बंद है, उनका निजी मुकदमा है और उसके लिए भी कल खापों की मीटिंग हुई है और हम लोग भी 27 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं और आंदोलन से भी पीछे नहीं हट रहे। कैप्टन साहब का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे और वीरेंद्र सिंह पे था कि उन्होंने मेरी कोठी जलवाई है और उस राजनीतिक जो आप दोनों की राजनीतिक झगड़ा है जिसमें आज 20 लोग जेल में बंद हैं, बाकी सब लोग ज्यादातर लोग जमानत पर हैं, ज्यादातर लोग चुप चुके, आप जो बात मुझे कहने, आप जो मुझे कहना चाह रहे हैं जो आपके भी समर्थक है उस बात को चलिए ठीक है, तो इस हमले के बाद भी लगातार जहां एक तरफ यशपाल मलिक आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं, यशपाल मलिक जी आप ये बताइए कि इन तमाम आरोपों के बीच आप, क्योंकि आपने खुद दावा किया है कि 2 से 3 या 4 दिन के अंदर आप उस नाम का खुलासा करेंगे, तो क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या फिर सिर्फ आज आप ये बात करें और 2-4 दिन के बाद ये बात कहीं गुम हो जाएगी, बताइए। देखिए 27 तारीख को पूरे देश की रैली है, 100 से ज्यादा जिले के लोग भाग लेंगे झज्जर में और उसी में हम लोग अपनी जांच कराकर उस नेता के नाम का भी खुलासा कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप जुड़े, यशपाल मलिक जी आप जुड़े और जवाहर यादव जी आप भी हमारे साथ जुड़े, सभी ने आपने वक्त दिया टोटल न्यूज को, तो कुल मिलाकर जो हमला हुआ है इसको बाहर जो भी राजनीतिक दल है वो इसकी घोर निंदा कर रहा है, कहीं पर भी लोकतंत्र प्रजातंत्र में इस तरीके से जो हमला है हिंसा है उसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस बीच लगातार यशपाल मलिक पर चाहे बात की जाए बीजेपी की या फिर बात की जाए कांग्रेस की तमाम आरोप लगा रहे हैं। यशपाल मलिक का कहना है कि बीजेपी किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है, इन्वॉल्वमेंट और सब कुछ मिलीभगत के जरिए हुआ है, अब देखना होगा कि दावा तो किया जा रहा है कि जो अगली रैली होने वाली है उसमें उस नाम का भी खुलासा करेंगे, अब आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर होगी। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं टोटल न्यूज़ पर।